धन्यवाद देना चाहती हूँ आप लोग सबको, क्योंकि यह आज पहला कार्यक्रम है चुनाव का और निवाई से शुरू कर रही हूँ, आप लोग सबके दर्शन करके शुरू कर रही हूँ। जहाँ जहाँ जाने का मौका मिला है वहाँ ऐसी ऊर्जा पाए रही हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी जाती हूँ तो थकान महसूस होती है। अब 9 महीने हो गए भाई, 9 महीने 5-7 महीने तो अपन लोगों ने सुराज संकल्प यात्रा की, उसके बाद जगह जगह पर दौरे करके कार्यकर्ताओं से मुखाकत हुई और 9 महीने के बाद कभी कभी ऐसा लगा कि थक गए, तो ऐसी ऊर्जा आप लोगों ने दी जिस ऊर्जा को लेकर आगे जाने का काम आप लोगों ने किया। और मैं तो कह रही हूँ कि 1 तारीख तक महसूस होगी नहीं, क्योंकि ऐसी जनता ऐसा परिवार हमारे पीछे खड़ा हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे भारतीय जनता पार्टी के आपके यहाँ के प्रत्याशी श्री हीरा लाल जी आपके सामने खड़े हैं। आज मैं इनको मेरी जगह पे छोड़ के जा रही हूँ, परंतु मैंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को फूटा बना के क्षेत्र के अंदर खड़ा कर देना है, जो लोग आपकी आवाज मेरे तक पहुंचाए और मेरी आवाज आप तक पहुंचाने का काम करें। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता लोगों को खड़ा करने का काम हमने किया है ताकि आपको कोई कमी ना हो। मुझे मालूम है कि हमारे समय के अंदर ये कनाल और सिंचाई परियोजना, मासी कनाल और सिंचाई की परियोजना का काम हम लोगों ने पूरा किया था, साथ ही बीसनपुर पेयजल योजना का पानी पीपलू तहसील के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय तक पहुंचने की योजना की स्वीकृति हम लोगों ने करवाई थी और ये काम भी ये सरकार पूरा नहीं कर सकी। मैंने 4.5 साल तक इन्होंने एक काम नहीं किया, न सड़क बनी है, न पानी मिला है, न बिजली का काम हुआ है, न बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम है, न डॉक्टर्स अस्पताल में मिले हैं। ये हालत मेरे को देखने को मिली। अभी मैं मालूम नहीं कौन सी सड़क है, ये एयरपोर्ट से आ रही हूँ मैं। ये ऐसी सड़क है जो मालूम नहीं कितने वर्ष पहले बनी हुई होगी। कितने 8 साल तो हमारे टाइम की बनी हुई होगी, तो हमारे टाइम की बनी हुई होगी, उसके रिपेयर तो करा देते, कोई काम ही नहीं हुआ है। मैं पता कर रही थी कि बिजली की संकट है क्या, तो लोगों ने कहा वही आपकी जो बिजली 24 घंटे हमको मिलनी चाहिए थी वो बिजली नहीं मिल रही है, हम लोगों को मुश्किल से 5 या 7 घंटे और वो भी ट्रिपिंग के साथ मिलना है, क्या ये सही है? किसानों की बिजली सही समय से नहीं मिल रही है। मैंने सब माताओं बहनों को ये कह दिया है कि सरकार अपनी आएगी तो उस समय के बाद आप लोगों के 24 घंटे घरेलू बिजली बिलाने का काम वो हम लोग करने वाले हैं। ये काम नहीं है, ये तो करके छोड़े, छोड़ना चाहिए था, नहीं किया तो हम पूरा करें। इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया पीने के पानी का फ्लोराइड युक्त पानी आज गांव के लोगों को पीना पड़ रहा है, क्या ये सही है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो सरकार 53 साल के बाद भी आप लोगों को पानी, बिजली, सड़क और बच्चों के रोजगार और टीचर और डॉक्टर्स का इंतजाम नहीं कर सकती है, ये कैसी सरकार है? आप गुजरात में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, 15-15 साल का काम है गुजरात में, 15 साल का काम, 10 साल का काम मध्य प्रदेश, 10 साल का काम छत्तीसगढ़, और वो कहां से बात पहुंच गए प्रदेश? ये सेमीफाइनल्स है भाई, ये सरकार अपने को राजस्थान में बना के ये इंतजाम करना है कि सेमीफाइनल्स में अपन आगे चले ताकि फाइनल के अंदर नरेंद्र मोदी जी को राजस्थान का देश प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग मिलकर काम करें। बोलो तैयार हो? बोलो आप लोग 5 साल की सरकार चाहते हो या वो सरकार जो 5 महीने में सौगाते बांट के चली जाती है? हम 5 साल की सरकार देने को तैयार है, बोलो देना चाहते हो? बोलो साथ में काम करोगे? युवाओं को आगे चलना है, महिलाओं को कंधे
आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे हैं, तो मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि राजस्थान में एक नया राजस्थान बना के हम लोग छोड़ेंगे। और अगर तैयार हो तो मुझे बताओ कि यह मेरा प्रतिनिधि जिताने का काम करेंगे।